बैंक ऑफ महाराष्ट्र एससी एसटी और ओबीसी कर्मचारी एसोसिएशन पुणे की ओर से आज मोर्चा निकालकर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया। भारत का संविधान आरक्षण नीति के माध्यम से राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन आवश्यक रूप से आरक्षण विवरणिका, विभिन्न परिपत्रों और विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। आरक्षण नीति का अंतिम उद्देश्य राज्य के निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़े समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए तंत्र है। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों को जो भी आरक्षण दिया जाता है उसके लिए कोटा तय है संविधान में, 15%, 7.5%, 27%, इस प्रकार का एससी एसटी ओबीसी का कोटा तय है। ये कोटा तय होने के बाद में अलग से डीओपीटी का इस प्रकार का गाइडलाइंस है कि जो भी आपको रिजर्व कोटा मिलता है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। उस रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेकर जब आप नौकरियों पे आते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी में आपको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी को मिलने वाले बेनिफिट्स का उपयोग नहीं लेता, बावजूद उसके वो अगर नौकरी पर आता है, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को अगर वो कम्पीट करता है, तो ऐसे कैंडिडेट को रिजर्व कोटा में एडजस्ट नहीं किया जाता। दैट इज दी वेल डिफाइंड पॉलिसी बाय डीओपीटीज, मल्टीपल ओएम्स आदे रिजर्वेशन ब्रोशर में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल शुरुआत से, जब से रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल हुई है, तब से लेकर एक भी कैंडिडेट को उन्होंने कभी अनरिजर्व नहीं दिखाया। इसके बारे में मैनेजमेंट से बार बार बातें हुई है, भिखारियों की तरह हम लोगों ने उनसे डिस्कशन करने की कोशिश की है, बट मैनेजमेंट इज वेरी लेथर्जिक, वेरी एरोगेंट, वेरी एडमंट, नॉट इवन इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी। अभी हमारी ये मांग है कि जितनी भी इरेगुलरिटीज पास में हुई है उन सारी इरेगुलरिटीज को करेक्ट करने का एकमात्र माध्यम है कि आप बैकलॉग वैकेंसीज को डिक्लेयर करिए। किसी भी संगठन में किसी भी वर्ग के प्रतिनिधित्व को मापने के लिए आरक्षण रजिस्टर सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरे शब्दों में, यदि इसे ठीक से तैयार नहीं किया जाता है तो आरक्षण नीति का उद्देश्य विफल हो जाता है। हमने देखा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आरक्षण रजिस्टर तैयार करने में गंभीर अनियमितता है। स्वयं की योग्यता वाले अभ्यर्थी को भी समायोजित किया जाता है आरक्षित कोटे के विरुद्ध, जो आरक्षण नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।